तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, किससे? बहुत सारे जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है, तो वही फैक्टराइज है, पर थोड़ा सा स्पेशल कॉन्सेप्ट जो है वो फैक्टर थ्योरम का यहाँ पे लगना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फैक्टराइज करने को दिया गया है 12x² - 7x + 1। तो बच्चों क्या रूल है हमारा? रूल है कि ये जो हाईएस्ट कोफिशियंट रहता है, हाईएस्ट जो डिग्री होता है हमारा, उसका जो कोफिशियंट होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे? कॉन्स्टेंट टर्म से। सो 12 × 1 = 12। अब इस 12 को फैक्टराइज करके हम लोग मिडिल टर्म में ला सकते हैं क्या? जो बीच वाला टर्म है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। तो अगर 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये मिल जाता है हम लोग को, है ना, 3 × 4 = 12। सो यहाँ पे कितना है? -7x। सो मेरे ख्याल से -3x एंड -4x दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? दैट विल बी -7x, है कि नहीं? और साथ में क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो -3 और -4, इनका मल्टीपल भी कितना होना चाहिए? जितना 12 × 1 था उतना ही। सो -3 × -4 = 12 एंड सिमिलरली 12 × 1 = 12। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसको 7x को हम लोग लिख सकते हैं 12x² - 4x - 3x + 1। ठीक है, अब देखेंगे यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। x तो कॉमन है ही, 4 भी कॉमन है जो कि इजीली 12 को डिवाइड करता है। सो 4x जो है वो पूरा का पूरा कॉमन निकल जा रहा है। देन 4x अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या रह जाता है बच्चों? ब्रैकेट में रह जाता है जो टर्म था उसको हम लोग डिवाइड करते हैं जिससे हम जो हम लोगों ने कॉमन निकाला है उससे। तो कॉमन क्या निकला है? 4x। 4x से डिवाइड करते हैं तो बच जाता है x एंड 4 × 3, तो क्या बच गया हमारे पास? 3x हमारे पास बच गया। सो 3x - 1। अब जितना यहां पे आया है वही चीज आपके बाद वाले ब्रैकेट में भी आ ही जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा निकाल दिया जाए इन दोनों में से? तो हम लोग देख रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ 3x - 1 था और यहाँ -3x + 1 है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑलवेज टेक -1 एज कॉमन। ठीक है, तो -1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो फिर से ये भी क्या बन जाता है? 3x - 1। नाउ 3x - 1 और 3x - 1 ये दोनों कॉमन हो जाते हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, बचता क्या है हमारे पास? 4x - 1। सो दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ 12x² - 7x + 1। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ठीक इसी तरह से हम लोग इसमें भी आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज करने को मिला है 2x² + 7x + 3। तो पहला काम, जो हमारा वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशियंट को 2 × कॉन्स्टेंट। सो 2 × 3 क्या मिल रहा है हम लोगों को? 6। 6 को हम लोग इस तरह से फैक्टराइज करें कि वो 7 हो जाए। कभी होगा क्या? 6 को अगर 7 बनाना है, जब कभी भी याद रखें कि किसी ऐसे नंबर को फैक्टराइज करें कि वो उससे बड़ा हो जाए, तो हमेशा 1 से करना है। ठीक है, 1 से अगर 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 एंड 6 दोनों मिलके 7 आ ही जाएंगे। ओके, नाउ अब मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 2 × 3 = 6 एंड 1 × 6 ये भी 6। सो 1x + 6x + 3। अब यहां से हम लोग इन दोनों का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाता है? x कॉमन आ रहा है, सो 2x + 1, और यहां पे 3 कॉमन आ जा रहा है, सो 2x + 1। देन 2x + 1 यहां भी, 2x + 1 यहां भी, सो 2x + 1 = कॉमन एंड x + 3 जो बचा हुआ था, x + 3, ये दोनों हमारा फैक्टर बन जाता है। सो ओवरऑल फैक्टर हमारा क्या बनता है? 2x + 1 and x + 3 × x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x² + 5x - 6। क्या बताया मैंने कि जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 6 × -6, तो कितना हो जाएगा? -36। अब जो फैक्टराइज करना है हमें वो भी इसी फॉर्म में करना है ताकि ये बीच वाला आ जाए और उनका भी प्रोडक्ट -36 ही हो।
है ना, मतलब फैक्टर को जोड़ने पे या घटाने पे कितना आ जाए, 5x आ जाए, और प्लस उनका भी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई जो है वो -36 ही आना चाहिए। अब देखते हैं 36 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो एक ये भी फैक्टर बनता है, दैट 4 × 9 = 36। अब जरा देखो तो 9 - 4 ये 5 आ जाता है, सो वी कैन राइट 9x - 4x। इन दोनों के कोफिशियंट को 9 × -4 - 36 आ जा रहा है ना, वही चीज। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6x² देन 5x को हम लोग लिख सकते हैं 9x - 4x - 6। तो 6x² + 9x, इसमें कॉमन क्या लग रहा है, x, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 3। सो 3x को कॉमन निकालते हैं तो बचता है हमारे पास 2x + 3। एंड सिमिलरली यहां पर भी -2, दोनों में ही माइनस है और 2 भी दोनों में कॉमन होगा, तो -2 कॉमन निकाला जाता है तो बचता है -2x + 3। सो 2x + 3 एंड 3x - 2 आर द आंसर, आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 4 का, कि 3x² - x - 4, 3 × 4 = 12, और हम लोग यहां पे ही देख सकते हैं कि 3 और 4 का डिफरेंस भी कितना होता है, 1 ही होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3x² - 4x, जिसका साइन है वही वाला बड़ा, बड़े वाले नंबर को वही साइन देते हैं, है ना, तो माइनस है तो -4x + 3x - 4। देन यहां से हमारे लिए कॉमन क्या आ जाता है, x, तो 3x - 4, और यहां पे कॉमन आ जाता है 1, सो 3x - 4। तो 3x - 4 और 3x - 4 फिर से कॉमन निकल जाता है, बच जाता है हमारे पास x + 1। सो योर आंसर इज अगेन 3x - 4 एंड x + 1। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना हमारा, है तो वो भी फैक्टराइज, लेकिन वो थोड़ा अलग किस्म का है, थोड़ा अलग तरीके से उसको बनाना होगा, उसको फैक्टर थ्योरम के यूज से बनाना होगा। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो उतना टफ नहीं है, वो आसानी से हम लोग बना सकते हैं, जो जनरल मेथड है पेयरिंग करके, रीअरेंजमेंट करके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर, x³ - 2x² - x + 2। तो हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं दो का, इन दो का पेयर और इन दो का पेयर। ठीक है, तो चूंकि ये कोफिशियंट इसका घटता हुआ जा रहा है ना, सॉरी कोफिशियंट मीन्स डिग्री इसका घटता हुआ जा रहा है, तो हम लोग यहां से देख रहे हैं इन दोनों के पेयर में क्या कॉमन आ जा रहा है, x² कॉमन आ जा रहा है, जो छोटा पावर होता है वो कॉमन आता है, सो x² कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या बच जाता है हमारे लिए, x - 2। सिमिलरली यहां पे -1 कॉमन ले सकते हैं तो फिर बच जाता है x - 2। देन x - 2 यहां भी है, x - 2 यहां भी है, x - 2 को कॉमन ले आया गया, अब बचा क्या हमारे पास, x² - 1। अब देखो बच्चों x² - 1, इसको भी तो लिखा जा सकता है x² - 1² है ना, तो हम लोग x - 2 को रहने देते हैं, एंड x² - 1² को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b², तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b। तो अब इसको लिखा जा सकता है x - 2 × a + b, a की जगह पे कौन था x और b की जगह पे कौन था 1, सो a + b x + 1 × x - 1। तो ये हमारा जो आंसर है, इस बार हमारे लिए 3 फैक्टर आए, है ना, तो यहां तक बनाने में हमें परेशानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोगों को अप्लाई करना होगा फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम हम लोग कैसे यूज करेंगे इसमें। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन इज x³ - 3x² - 9x - 5। अब इसमें भी क्या किया जाता है बच्चों, कि फिर से हम लोग यहां पे जो हाईएस्ट हमारा वेरिएबल है, जिसका डिग्री हाईएस्ट है, उसके कोफिशियंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराते हैं और उनके फैक्टर्स को देखते हैं। सो इनको मल्टीप्लाई कराने पे हमें क्या मिलता है, तो
तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स ऑफ माइनस फाइव। माइनस फाइव का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, देन वन माइनस वन एंड फाइव एंड माइनस फाइव, और तो दूसरा कोई होगा नहीं। तो इसी में से हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। एक बात याद होगा बच्चों कि अगर कोई फैक्टर होता था जब x इज इक्वल टू वन पे, ये याद होगा कि x इज इक्वल टू वन पे अगर हमारा p ऑफ x जीरो हो जाता था तो हम लोग क्या कहते थे कि x माइनस वन इज ए फैक्टर, है ना, हम लोग ये कहते थे ना, फैक्टर थ्योरम यही कहता है। देन ठीक इसी चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पे कि x के डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। और x के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने पे अगर ये जीरो आ जाता है तो एक फैक्टर हम लोगों को वहां से मिल जाएगा, क्योंकि बाकी और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। तो आते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पुट करके देखते हैं बच्चों इस फैक्टर में से किसी एक को। तो अब देखते हैं वन पुट करके, ठीक है, पहले वन पुट करते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो पी ऑफ वन अगर पुट करते हैं तो वन टू द पावर थ्री माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव, ये कितना हो जाता है, ये वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, सो ये जीरो नहीं होता है, है ना। अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो क्या बताया गया बच्चों कि अब हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड जब कर रहे हैं तो ये जीरो नहीं हो रहा है, है ना। ये कितना हो जा रहा है, दैट इज वन माइनस नाइन माइनस फाइव माइनस फोर्टीन माइनस सेवनटीन हो जा रहा है, तो जीरो तो नहीं हुआ। दिस मीन्स वन इज, दिस मीन्स वन कैन नॉट मेक दिस वन जीरो। वन जो है पी ऑफ वन जीरो नहीं हो रहा है, तो एक्स माइनस वन जो है एक फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोगों को क्या देख लेना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, हम लोगों को देख लेना है क्या दूसरा फैक्टर पी ऑफ माइनस वन पुट करते हैं, ठीक है, देन क्या तब वो जीरो हो पाता है। सो थ्री, सॉरी एक्स टू द पावर थ्री है, सो माइनस वन टू द पावर थ्री, देन माइनस थ्री इंटू माइनस वन टू द पावर टू, माइनस नाइन इंटू माइनस वन एंड माइनस फाइव, तो क्या आ जा रहा है, माइनस वन माइनस थ्री इंटू वन विल बी माइनस थ्री, माइनस नाइन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस नाइन, और यहां पे माइनस फाइव। अब देखो बच्चों प्लस नाइन एंड माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव, ये भी कितना हो गया, माइनस नाइन। सो प्लस नाइन माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, देन पी ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आ जा रहा है। अब यहां पे समझेंगे इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या पुट किए हम लोग, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किए, तो ये टर्म जो है ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब x प्लस वन एक फैक्टर है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, है कि नहीं। तो x प्लस वन एक फैक्टर हो जा रहा है किसका, इसका, ठीक है। तो एक फैक्टर हम लोगों को मिल गया x प्लस वन। अब दूसरा फैक्टर ढूंढना है कि दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो दूसरा फैक्टर हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, x प्लस वन से अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं, देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यहां पे नेक्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन का क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, x प्लस वन से, क्योंकि x प्लस वन भी एक फैक्टर है। तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, पहला टर्म जैसा सिखाया गया था फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x क्यूब, देन ये प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, सो माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। अब हमारे पास कितना आ गया, दिस वन गेट्स कैंसिल्ड, माइनस थ्री एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अब x को कितना से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, माइनस फोर एक्स से, माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन इंटू माइनस फोर एक्स, फिर से ये कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स। अब इसका साइन चेंज करते हैं, ये प्लस ये भी प्लस, देन ये कैंसिल, माइनस नाइन एंड
माइनस 4x माइनस 9x प्लस 4x दैट इज माइनस 5x माइनस 5। तो x को अब कितना से मल्टीप्लाई करें, माइनस 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 5x एंड माइनस 5। तो हमारे लिए सभी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि साइन चेंज होगा सबका, सभी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे लिए क्या मिल रहा है, हम लोगों को दूसरा फैक्टर मिल गया, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, है कि नहीं। ये भी बताया गया था ना कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मिलता है हम लोगों को आंसर जब किसी को डिवाइड करते हैं, सपोज 12 इज डिवाइडेड बाई 3, तो 3 और 4 दोनों ही फैक्टर हो जाते हैं किसके, 12 के। ठीक, इसी तरह से ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस 5 को हम लोग देखते हैं, माइनस 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 1 एंड 5। तो इसको इस प्रकार से हम लोग अरेंज करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ये पी एक्स जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे लिए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो ये बन जाता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। देखो तो माइनस 5x प्लस एक्स, तो माइनस 4x हो जाता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको x प्लस 1 एंड यहां से हम लोग x कॉमन निकाल देते हैं, तो x माइनस 5, और यहां से प्लस 1 कॉमन निकाल देते हैं, x माइनस 5। ओके, तो अब देखो कि x माइनस 5 फिर से कॉमन आ गया, सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे है, ये फैक्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो इसके बाद भी जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग इसी तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाएंगे, और फिर उसको डिवाइड करेंगे, एक फैक्टर हम लोगों को हिट एंड ट्रायल से मिलेगा, दूसरा वाला फैक्टर जो है वो डिवाइड करने के बाद मिलेगा, और फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ओके, चाहे तो हम फिर से भी फैक्टर थ्योरम उसमें लगा सकते हैं, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि एक्सरसाइज 2.4 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद के दो क्वेश्चन हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं बना सकता हूँ, नहीं तो फिलहाल अभी इसको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 2.4 आपको समझ में आया होगा, जहाँ कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।